आज हम बात करने वाले हैं सृष्टि के सबसे पहले मंत्र के बारे में। कहते हैं कि इस मंत्र में वेदों का सार छिपा है और इसी मंत्र में भगवान शंकर के संपूर्ण स्वरूप का चित्रण भी मिलता है। ये है भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र। कहते हैं कि भगवान महाकाल को केवल नमः शिवाय के जाप भर से खुश किया जा सकता है और इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंत्र को दिन महीने साल कभी भी किसी भी समय पर जपा जा सकता है। संसार का सबसे शक्तिशाली पांच अक्षर नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, जिनके जप से प्रसन्न होंगे शिव शंकर। शिव पंचाक्षर में छुपी है ब्रह्मांड की शक्ति। नमः शिवाय के जाप से मिलेगी मुक्ति। देवों के देव हैं महादेव, संपूर्ण सृष्टि का आधार है। नाम लेने मात्र से दूर पंचाक्षर का जाप इंसान को भयमुक्त कर देता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव पंचाक्षर के साक्षात शिव की शक्ति हैं, जो लोग परम चमत्कारी नमः शिवाय का जप करते हैं उनकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। तो आइए जानते हैं शिव की उपासना में क्या है पंचाक्षर का महत्व। शिव उपासना के पांच अक्षर हैं नमः शिवाय। सृष्टि पांच तत्वों से मिलकर बनी है जिसके नियंत्रक हैं महादेव। इन पांच अक्षरों से सृष्टि के पांच तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है। हर अक्षर का अपना अर्थ और महत्व है। इन पांचों अक्षरों को एक साथ मिलाकर बनता है शिव का परम शक्तिशाली मंत्र। ये जो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है, ये भगवान शिव के जो पांच रूप हैं, सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान, ये पांच भगवान के रूप हैं। पांच मुख भी इनको कहा जाता है। तो वो पांच जो रूप हैं वही इस पंचाक्षर में समाहित हैं। साथ ही ओंकार जो होता है उसमें भी अकार उकार मकार नाद और बिंदु, ये पांच रूप ओंकार के भी होते हैं। यह जो पंचाक्षरी मंत्र है, चूँकि पंचानन भगवान शिव हैं अर्थात पंचमुखी हैं भगवान शिव, इसलिए शिव का ये प्रतीकात्मक स्वरूप ही है ये मंत्र। और शिव का जो जितने भी मंत्र होते हैं वो तत्तत् देवता रूप होते हैं। इस दृष्टि से ये पंचाक्षर मंत्र भी भगवान शिव का रूप ही है। शिव पंचाक्षर के हर अक्षर में छुपा है एक अलग अर्थ। आज हम आपको शिव पंचाक्षर के हर अक्षर का महत्व बताएंगे। तो आइए जानते हैं शिव पंचाक्षर के पहले अक्षर न के बारे में क्या कहता है ज्योतिष विज्ञान। इसका अर्थ नागेंद्र से है, जो नागों को धारण करने वाले हैं। न का अर्थ निरंतर शुद्ध रहना भी है। इस अक्षर के प्रयोग से इंसान दसों दिशाओं में सुरक्षित रहता है। शिव पंचाक्षर का दूसरा चमत्कारी अक्षर है मा। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मा अक्षर में महादेव की शक्ति का अंश समाया हुआ है। इसके उच्चारण से प्रसन्न होते हैं महाकाल। आइए जानते हैं कि शिव के इस अक्षर का क्या अर्थ है और ये सृष्टि में कौन से तत्व को नियंत्रित करता है। म अक्षर का अर्थ और इसकी महिमा क्या है। इसका अर्थ मंदाकिनी को धारण करने से है। इस अक्षर का अर्थ महाकाल
और महादेव से भी जुड़ा है। नदियों, पर्वतों और पुष्पों को नियंत्रित करने के कारण इस अक्षर का प्रयोग हुआ। ये जल तत्व को नियंत्रित करता है। शिव और शक्ति से जुड़ा है शिव पंचाक्षर का श, जिसके जप से संसार का हर कष्ट दूर हो सकता है। ज्योतिष में इस अक्षर का विशेष महत्व है। शिव पंचाक्षर की आधी शक्ति इसी अक्षर में समाई हुई है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। इसका अर्थ शिव के शक्ति को धारण करने से है। ये परम कल्याणकारी अक्षर माना जाता है। इस अक्षर से जीवन में अपार सुख और शांति का आगमन होता है। महादेव जब क्रोधित होते हैं तब खुलती है उनकी तीसरी आंख, और जब जब महादेव की तीसरी आंख खुली तब तब विनाश लीला हुई। शिव पंचाक्षर का अक्षर व का संबंध शिव के विकराल रूप से है। आइए जानते हैं इस शुभ अक्षर का अर्थ। इसका संबंध शिव की तीसरी आंख से है। ये अक्षर शिव जी के प्रचंड स्वरूप को दर्शाता है। इस अक्षर का प्रयोग ग्रहों और नक्षत्रों को नियंत्रित करता है। शिव पंचाक्षर का आखिरी अक्षर है य। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस अक्षर में शिव पूर्ण रूप से विराजमान है। इसके प्रयोग से भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं क्या है इस दिव्य अक्षर य की महिमा। इस अक्षर का अर्थ शिव जी ही आदि, अनादि और अनंत है। यह अक्षर संपूर्णता का है, जिसमें शिव को सर्वव्यापक माना गया है। इस अक्षर के प्रयोग से शिव की कृपा मिलती है। ये भगवान शिव से संबंधित है, अलग अलग उनका उससे जुड़ाव है। शब्दों से, एक एक शब्दों से पांच ही देवता, जो पंचाक्षर देवता है हमारे शिव के परिवार, उनकी शक्ति इसमें व्यवस्था जुड़ी हुई है, इसलिए इसको पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। जो भक्त नमः शिवाय यही कर देता तो भगवान स्वयं साक्षात उसका हर तरह से धन से धान से पूर्ति करने के लिए, और वक्त आने पर तो मार्कंडे जैसे को भी, जब उसने नमः शिवाय का जाप शुरू किया, सामने है तो यमराज खड़े हुए, और उन्हें नमः शिवाय का जाप करके शिवलिंग को जब पकड़ लिया तो शिव साक्षात यम से लड़ने के लिए आ गए और उसको उन्होंने मृत्यु से बचा के आयुष्य दिलवाई। तो ये मंत्र का प्रभाव है, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का ये प्रभाव है। चमत्कारी है शिव पंचाक्षरी यानी नमः शिवाय। इसके जाप से आपके कष्ट कट जाएंगे, सुख आने लगेगा। तो इस महामंत्र का जाप करिए और शिव कृपा का आनंद उठाइए। पंचाक्षरी मंत्र क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसकी महिमा क्या है, ये सब आपने जान लिया। लेकिन धार्मिक मान्यता कहती है कि ये सृष्टि का पहला मंत्र है जिसे मानव कल्याण के लिए रचा गया। लेकिन इसका पौराणिक इतिहास बताता है कि इस मंत्र को भगवान शिव ने अपने पंच मुख से भगवान ब्रह्मा को प्रदान किया था, और इसीलिए इस मंत्र के जप से भोलेनाथ अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को मनाने का सबसे सरल उपाय, पांच अक्षर के मंत्र का जाप दिलाएगा शिव कृपा। नमः शिवाय का जप काटे सारे संकट। सारे मनोरथ सिद्ध करे शिव का पंचाक्षरी मंत्र। भगवान नीलकंठ को प्रसन्न करने के लिए शिव पंचाक्षर मंत्र और शिव पंचाक्षर स्त्रोत्र का जप किया जाता है। इस मंत्र को शास्त्रों में बहुत शक्तिशाली माना गया है। इसके साथ ही ये बहुत ही आसान है। ये मंत्र समस्याओं से तो बचाता ही है, ये आपके परिवार के लिए एक
सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। भगवान शंकर के स्वरूप का बखान करने वाले इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पंचाक्षरी मंत्र हमेशा जागृत रहता है। ये मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, इसीलिए इस मंत्र का जप हमेशा कर सकते हैं। इस मंत्र के जप का कोई समय व्यवधान नहीं है। वैसे जाप का जो प्रावधान है वो प्रातः काल में भोर में किया जाता है, 4 बजे से उठकर 6 बजे तक जो इस जाप को करते हैं उनको विशेष सिद्धि प्राप्त होती है, मंत्र सिद्ध होते हैं ऐसे मान्यता है। उसके पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति उस समय में न कर पाता हो तो वो शिवालय के अंदर कभी भी 24 घंटे में कभी भी शिव जी के समक्ष ये मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकता है। लेकिन 2 समय इसके हैं, एक प्रातःकाल और दूसरा सायंकाल। वेदों और पुराणों के अनुसार शिव अर्थात सृष्टि के सृजनकर्ता को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप ही काफी है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय महामंत्र जिसके मन में वास करता है उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या जरूरत है। ये मंत्र मोक्ष प्रदाता है, पापों का नाश करता है और साधक को लौकिक और पारलौकिक सुख देने वाला है। भगवान शिव देवों के देव और कालों के काल हैं, इसलिए इन्हें महाकाल और महादेव कहते हैं। इनके कृपा से मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्रों को शास्त्रों में बहुत प्रभावशाली बताया गया है। भगवान शिव का ये मंत्र जपने में बेहद आसान होने के साथ परम कल्याणकारी है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की सहायता से आपको अपने घर के लिए सुरक्षा कवच का निर्माण कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं आखिर कैसे। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वयं को शुद्ध करें। इसके बाद पूजा घर में भगवान शिव के समक्ष धूप दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद शिव जी की तस्वीर या प्रतिमा के सम्मुख बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जप करें। मंत्र जप पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे परिवार की सभी संकटों में रक्षा करें। इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 1 माला जप करें। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने पर आपको स्वयं सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लगेगा। यह जो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है इसका जप तो वैसे प्रतिदिन करना चाहिए, जब आप शुद्ध अवस्था में हो, सुबह स्नान आदि करके शुद्ध रूप में हो उस समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। विशेष रूप से भगवान शिव के जो पर्व हैं जैसे महाशिवरात्रि है, प्रदोष काल है, हर एक मास में जो कृष्ण पक्ष आता है उस कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इसे मास शिवरात्रि कहा जाता है, उस मास शिवरात्रि के दिन श्रावण मास में सोमवार के दिन ऐसे सब जो भगवान शिव के जो विशेष पर्व हैं, विशेष दिन हैं, उन दिनों में इसके जपने से और अधिक फल और अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही आपको कुछ बातें ध्यान में भी रखनी होगी। जप हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, वो केवल भक्त के सच्चे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस मंत्र का जाप करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना न रखें। तन और मन दोनों की सात्विकता बनाए रखें। मंत्र जप के साथ साथ घर और अपनी स्वच्छता का भी विशेष ख्याल रखें। शास्त्र इस पंचाक्षरी मंत्र को सृष्टि का पहला मंत्र मानता है। तो आखिर सृष्टि में इस मंत्र की उत्पत्ति हुई कैसे, क्या है इसकी पौराणिक कथा, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे कि पंचाक्षरी मंत्र से कैसे मजबूत होते हैं साधक के पंच महाभूत। आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। आदि देव है शिव, सृष्टि की शुरुआत इन्हीं से हुई थी और इसीलिए तो इन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा को सबसे पहले इस मंत्र की दीक्षा दी थी और इसीलिए इस मंत्र को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं।
भगवान शिव की आराधना का ये सबसे सरल और सबसे अचूक उपाय। नमः शिवाय के चमत्कार। हर हर भोले नमः शिवाय। पंचाक्षर से पूरी होगी हर कामना। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव पंचाक्षर की महासाधना। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम है पंचाक्षर मंत्र और पंचाक्षर स्तोत्र, क्योंकि इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं आशुतोष। आइए देखते हैं पंचाक्षर के जाप से कैसे होगा आपका कल्याण, कैसे ये रहेगा आपके लिए फलदायी। पंचाक्षर मंत्र से हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है। पंचाक्षरी स्त्रोत्र से बहुत जल्द शिव कृपा पाई जा सकती है। पंचाक्षरी स्त्रोत्र से मन की हर समस्या दूर की जा सकती है। पंचाक्षरी मंत्र से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाता है। पंचाक्षरी मंत्र से दैहिक, दैविक, भौतिक सभी सुख मिलते हैं। पंचाक्षरी मंत्र से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सृष्टि के कल्याण का ये परम पुण्यकारी और आसान मंत्र सृष्टि में आया कैसे। तो शिव पुराण में वर्णित इसकी कथा कहती है कि एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि कलयुग में समस्त पापों को दूर करने के लिए किस मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। देवी पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव कहते हैं कि प्रलय काल में जब सृष्टि में सब समाप्त हो गया था, तब मेरी आज्ञा से समस्त वेद और शास्त्र पंचाक्षर में विलीन हो गए थे। सबसे पहले शिवजी ने अपने पांचों मुखों से ये मंत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र के ऋषि वामदेव हैं और स्वयं शिव इसके देवता हैं। नमः शिवाय की पंच ध्वनियां सृष्टि में मौजूद पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनसे संपूर्ण सृष्टि बनी है और प्रलय काल में उसी में विलीन हो जाती है। भगवान शिव सृष्टि को नियंत्रित करने वाले देव माने गए हैं। पंचाक्षरी मंत्र में न पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, म पानी यानी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, शी अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वा प्राण वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, या आकाश तत्व को इंगित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिव के पंचाक्षर मंत्र से सृष्टि के पांचों तत्वों को नियंत्रण में लाया जा सकता है। अगर आप पवित्र नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना कर पूजन के बाद जप करेंगे उसका फल सबसे उत्तम प्राप्त होगा। पंचाक्षर मंत्र अल्पाक्षर और अति सूक्ष्म है, लेकिन इसमें अनेक अर्थ समाये हुए हैं। आर्थिक लाभ और विद्या पाना चाहते हैं तो अंजलि में जल लेकर शिव ध्यान करें, 11 बार पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, अंजलि के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, जातकों को शिव कृपा मिलेगी। भोजन करने से पहले 11 बार पंचाक्षरी मंत्र जाप से भोजन अमृत के समान हो जाता है। शिव पंचाक्षर का जाप इंसान को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है और सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं महादेव। कहते हैं कि शिव जब प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों के मन की कामना पूरी करते हैं। तो आप भी इस दिव्य मंत्र नमः शिवाय का जाप करिए, आपका कल्याण होगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।